ये क्लाइंट जब बनाते तभी डिसाइड करना रहता ना हमें ये तो। हाँ तो तब पूरे ऐसे क्रॉस क्रॉस में भी जाकर डेटा सेव अच्छा एक होता चीज मुझे भी बताओ कि जो वर्चुअल क्लाइंट हम बनाते हैं वहां से, वर्चुअल क्या बनाते हैं वो लॉजिकल लॉजिकल सिस्टम। सिस्टम बनाते हैं ना, ओहो लॉजिकल सिस्टम बनाते हैं तो एज ए डेवलपमेंट और क्वालिटी और ये एक तरह से तो वो भी वही काम करता है। नहीं, लॉजिकल सिस्टम जो है वो क्लाइंट जो हम बनाते हैं उसके साथ में अटैच होता है। अगर एक्चुअली एसएपी को नहीं पता होता कि ये क्लाइंट क्या है, तो एसएपी में पहले हमको लॉजिकल क्लाइंट बनाना होता है, लॉजिकल सिस्टम वो उसे लिंक करना होता नहीं है। वो तो न्यू एंट्री करके तुम बना रहे हो ना, हम जो ऊपर जाके सिस्टम के अंदर जाके नहीं न्यू वर्चुअल मशीन बनाते थे, जाओ उसमें उसमें HTMS करके। हाँ अच्छा वो तो उसके लिए है कि वो क्या बोलते हैं, आपके पास अगर तीन सिस्टम नहीं है, सिंगल सिस्टम है, तो उसमें अगर क्रिएट कर लेते, अगर हमको डिलीवरी पाथ बनाना है। और एक चीज दूसरी चीज ये बताओ, जब डेवलपमेंट बनाते हैं प्रोडक्शन बनाते हैं जो डाटाबेस हमारे यदि एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उसी के अंदर हमें डेवलपमेंट बनाना है, क्वालिटी बनाना एंड प्रोडक्शन बनाना है, तो हमें 3 DB और टेनेंट डाटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ 3D सिंगल D पर भी चल जाना चाहिए। इसमें तो ओरेकल में तो अलग अलग करते हैं। जैसे जब हम नेटवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें देखो एक ये सीमा क्रिएट करता है उसके अंदर, अब ऐप तो करके एसएपी हाँ एक अलग। बार पर हाँ, तो या तो वहाँ पे से 2 और 3 करके वो सीमा उसी को उठाता है जो, जैसे उसको मान लो कि जो हम यदि डेवलपमेंट ले तो डेवलपमेंट का हो गया, क्वालिटी के लिए तो क्वालिटी का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया तो प्रोडक्शन का हो गया, ये होता होगा। हाँ ये तो उसके जो फिर हाँ जो स्कीम आए उसी से लेता होगा। हाँ अच्छा एक चीज मुझे पूछनी थी, तो हाँ और जैसे मैंने ऐसे थी खाना स्टूडियो का, ठीक है, तो अब इसमें मैंने अपना टीवी कनेक्ट किया हुआ है, ये ठीक है। ग्रीन आ जाएगा। अब इसमें जो टेरेंट डेटाबेस है वो सबसे पहले बना था वो किया था हमने, बाद में फिर हमने उसमें क्वालिटी और प्रोडक्शन कर दिया इंस्टॉल, ठीक है, तो हाँ उसको कैसे कनेक्ट करेंगे उसमें। ये तो नहीं पता भाई मुझे। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको नया एक मिनट, ये न्यू कनेक्शन हाँ क्रिएट करके सेम आईपी तुम इंस्टेंट नंबर अलग दिए होगे, ये तो डाटाबेस का जाएगा 00 ना, मल्टी कंटेनर में पेरेंट का डाटाबेस का नाम डाले, तो क्रिएट करते टाइम तुमने दिया होगा। क्वालिटी का है QSADM, इसका SID QS होगा। QAS आप QS है ना, तो मैं यहाँ पे QS डाटा भी डालूंगा। देख लो करके, यहाँ कुछ नहीं, ब्लैंक 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 डिस्क्रिप्शन। अच्छा डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं। और यूजर नेम में वही सिस्टम का डालना है। हाँ सिस्टम और जो तुमने यदि इंस्टॉलेशन टाइम जो पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड, जो सेकंड तुमने नेटवेयर डाला होगा उस समय साथ पासवर्ड डिफाइन करता है ना ये।
मैंने डाल दिया सेम ही पासवर्ड है, नहीं तो डाटाबेस का पासवर्ड है, अच्छा डाटाबेस इंस्टॉल करते हैं वो सिस्टम का पासवर्ड होता है। नेक्स्ट करो, फिनिश। द सिस्टम कैन नॉट बी रीच बाय सिस्टम सिस्टम आईडी, तो सिस्टम आईडी वो है अपना क्या बोलते हैं पीडीआर, तो खाना आपकी तो ये तो सेम ही आ गया तुम्हारा। वो चीज कुछ नहीं, मैं जब कभी कुछ करना है उसमें तो कैसे करें है ना भाई, एक ही डाटाबेस का हमने सारा सिस्टम यूज कर लिया ना इंस्टॉल, तो मल्टी टेनेंट है वो। ये सिस्टम डेटाबेस वैसे करके ट्राई करो, देखो कुछ आ रहा है। वाला तो सिस्टम वाला ही हो जाएगा ना, जो पीडीआर वाला जो पीडीआर वाला ही आ जाएगा। सिस्टम डीबी दिखाऊंगा यार ना, एक चीज बताओ, जब तुम नया इंस्टॉल किए हो तो स्टैंड नंबर तो चेंज हो गया होगा ना, 01 या 02 ऐसे आ जाता है फिर, वो तो ठीक है, नहीं स्टेंस थोड़ी ना डलेगा इसमें ये इंस्टेंट स्टेंस। नंबर चेंज हो जाता है यार, इंस्टेंट नंबर से चेंज हो जाता है 01 और 02 करके आ जाता है। ये तो समझ नहीं रहे हो, ये डाटाबेस का डलेगा ना, डाटाबेस का तो 0-0 ही है, डाटाबेस तो सिंगल टाइम इंस्टॉल हुआ है ना इसमें, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब दोबारा मल्टी तुमने मल्टी डिप्लॉय टाइम स्टॉल। किया, जब दोबारा ओ डिप्लॉय भाई किया होगा तो इंस्टेंट नंबर तो चेंज तो किया ही होगा ना, वो सेम डीबी इंस्टेंट नंबर पे तो नहीं करेगा ना नहीं, वो, ऑलरेडी डीबी एक थोड़ी पे ना ही। इंस्टॉल, डीबी थोड़ी ना इंस्टॉल किया था, तो डीबी इंस्टॉल नहीं किया था तो नया कनेक्शन के लिए वो नहीं लेगा उसको, कनेक्शन के लिए स्ट्रिंग के लिए वो आप आइडेंटिफाई कैसे कंफ्यूज करेगा? कंफ्यूज हो रहे हो, तुम जा रहे हो यहाँ पे एसएपी इसमें, वो यहाँ पे होता है चेंज, वो सबका अलग है, इसका QS का 03 है ठीक है, QS हाँ का 01 होगा मेरा ये, तो इसके लिए होता है, मैं DV से कनेक्ट कर रहा हूँ ना कि मैं नेट व्यूअर से कर रहा हूँ, मतलब एप्लीकेशन से नहीं कर रहा हूँ, तो डीवी के लिए नहीं, उसमें अलग से नहीं दिया मांगा उसने कुछ? टीवी अगर सिंगल टाइम इंस्टॉल हुआ तो सिंगल ही तो रहेगा उसका इंस्टेंस, वो भाई ठीक है एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो अंदर में जो अलग से तो वहां पे नेट एक्टेंट, व्यूअर में कहाँ मांगता है डीवी के लिए इंस्टेंस, सिंगल ही मांगता है, वो कहता है कि आपका डीवी का आईपी बताओ और उसका इंस्टेंस बताओ, वहां पे क्रिएट थोड़ी ना करता है डीवी के लिए कोई इंस्टेंस, आपने कुछ क्रिएट इंस्टॉलेशन नहीं किया करता कई है। बार। हाँ अरे मतलब दोबारा नहीं किया ना भाई, उस समय तो मांगता वही कनेक्शन, उससे कनेक्शन स्ट्रिंग मांगता है वो डाटाबेस का, कनेक्शन की तो हम मांगता में है ऑनली, इंस्टॉलेशन के लिए नहीं मांगता कोई भी, मेरी समझ से वो यार। कनेक्शन हाँ अच्छा एक चीज और बताओ, जब हम उस समय इंस्टॉल करते हैं तो एक अलग से ये जो ABAP 1 करके जो अपना एक डाटाबेस बनाता है, ये अपना एप्लीकेशन बनाता है, डाटाबेस के अंदर नहीं जाता है वो, स्कीमा बनाता है, वो स्कीमा इसके डीवी अंदर नहीं दिखना, बनाता है, डीवी में दिख रहा है इसमें देखो। पता नहीं कहाँ पर दिखेगा वो, नाम पता नहीं कैसे दिखेगा, अब वो किस में दिखेगा दोबारा किस में कर रहा था उसे, मोबाइल वोबाइल से आ रहा होगा, अच्छा ये बैकअप लेने के लिए तो अलग से यूजर बनाते होंगे ना बैकअप, जिसको परमिशन देते होंगे डीबी में। पता नहीं है,
क्योंकि ये सिस्टम तो नहीं, यदि सिस्टम देंगे तो एक तरह से एडमिन नहीं है, तो यार वो फिर कुछ पंगा भी कर सकता है गलत, यदि कुछ गलत कर गया तो डीबी बैठा सकता है। तो तुम लोग ट्रांजेक्शन वहाँ ऑफिस में सिस्टम से लेते हो? कोड होता है ना, उसमें जो ट्रांजेक्शन कोड जिसको दे दोगे बैकअप का, उसको तो वो नहीं होता। सब जगह तो पीडीआर ही दिख रहा है तुम्हारा। तो पूछेंगे कौन सा रखा हुआ है। नहीं कहता था एसिक्स वाला एक बार करके देखो। ठीक है ठीक कितना नंबर रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ था इसका, कुछ देखा था क्या? हेलो, हाँ जी हाँ, क्या सब किया? एक बार ये चेंज किया था इधर ना,
100 में क्या किया हमने, उसको विदाउट रिकॉर्डिंग पर डाल दिया, चेंजेस विदाउट रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कुछ चेंज करके देखिए, करके देखा चेंज हो रहा, चेंज हो रहा, बट ये कैसे पता लगेगा इसकी रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई? टीआर के लिए पूछ रहा है। हाँ, टीआर के लिए पूछ रहा है। जैसे हमने क्या किया था, चेंजेस सेव ही, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस कर रखा ना, चेंज विदाउट ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करो, फिर चेंज करके देखो। हाँ तो किया था, कैसे हुआ इसमें? सेव नहीं किया होगा तुमने, कुछ डिलीट करके देख लेते हैं ना, इसको सेव कर देते हैं। इसमें से इसको डिलीट कर देते हैं, सेवन में ये रिक्वेस्ट के लिए पूछ रहा है। हाँ, रिक्वेस्ट बनाने के लिए पूछ रहा था, नहीं ये पूछना नहीं चाहिए था, ये कैंसिल करो, कैंसिल करो। यहाँ से जो चेंजेस किए हो ना वो सेव करके और वापस आओ। सेव करने पे ऐसे हो रहा है? नहीं, कैंसिल करो ना, इसको कैंसिल कर दो, वहाँ पे भी कैंसिल कर दो, कैंसिल करके यहाँ से लॉग आउट हो जाओ, और लॉग आउट होने के बाद लॉग इन करो दोबारा से, तब वो चेंजेस तुम्हारा इफेक्ट में आएगा। ये स्टार्स का दिखता है, एसएपी स्टार से नहीं करने देगा ना चेंजेस। रिक्वेस्ट मांग रहा है तो कैंसिल करना, उसमें वो भी चेंज करना पड़ेगा, कैंसिल करो। क्या क्या चेंज किया क्लाइंट में एक बार देखा। ओनली फर्स्ट वाला ही क्या था, क्लाइंट स्पेसिफिक किया था, क्रॉस क्लाइंट वाला नहीं किया था। नहीं, उसको भी तो करना पड़ेगा, वो भी तो अलाउड कर रहा होगा, ये क्रॉस क्लाइंट डेटा है ना जिसमें तुम चेंजेज कर रहे हो, ये क्रॉस क्लाइंट डेटा है, तुमने जो चेंज किया वो क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा। क्लाइंट स्पेस ये हमने ट्रांसपोर्ट वाला किया है, चेंजेज इन क्लाइंट स्पेसिफिक किया, ये नहीं किया हमने क्रॉस क्लाइंट वाला। हाँ तो अभी कर क्या रहे हो तुम, कर रहे हो तुम चेंजेस किस में कर रहे हो, क्रॉस क्लाइंट में कर रहे हो। यहाँ पे करूँ नो क्रॉस, ये वाला करना पड़ेगा सर। पर हम अभी लॉजिकल सिस्टम को पहले ये अंडरस्टैंड करो, पहले अंडरस्टैंड ये करो कि तुम कर क्या रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। जैसे तुम एक लॉजिकल सिस्टम डिलीट कर रहे हो, ठीक है, तो लॉजिकल सिस्टम जो है कहाँ होता है, क्रॉस क्लाइंट डेटा है वो, ठीक है, तो लॉजिकल सिस्टम जो है क्रॉस क्लाइंट डेटा है, तो क्रॉस क्लाइंट की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, नो चेंजेस टू क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजेशन ऑब्जेक्ट। अब इसको यदि तुम करोगे तो वो चेंजेस नहीं करने देगा। और क्या क्या ऑप्शन है दिखाओ, ड्रॉप डाउन करो, चेंजेस टू रिपोजिटरी क्या रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चेंजेस टू रिपोजिटरी एंड क्रॉस क्लाइंट अलाउ, तो अलाउड तो करना नहीं है, नो चेंजेस और रिपेयर, नो चेंजेस टू क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजेशन। मेरा कहने का मतलब अलाउड करेंगे तभी तो हमें चेंजेस करने देगा क्रॉस क्लाइंट में, हमें तो चेंजेस क्रॉस क्लाइंट में कर रहे हैं ना, पर हमको ये चेक करना तो है उसकी तुम्हें रिकॉर्डिंग ना हो। तो रिकॉर्डिंग जो है ना क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा का नहीं होगा ना, क्रॉस क्लाइंट का तो होगा ही, दोनों अच्छा, दो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसमें हम कुछ चेंज करेंगे 100 क्लाइंट में तो कैसे चेंज कर पाएंगे, क्या चेंज करना है, हम कैसे चेक कर सकते हैं इसमें?
वो फंक्शनल वाले तो कुछ पता नहीं कुछ और करते रहते हैं चेंज करने फंक्शनल के। तो वाले जो है ना, जो जेड रिपोर्ट बनाते हैं ना, वो उसके लिए उसमें चेंजेस करेगा तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम सेटिंग जैसे ये कर रहे हो, नो चेंजेस टू क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजेशन ऑब्जेक्ट, ये सेलेक्ट करो तो वहाँ पे तुम्हें डिलीट करने नहीं देगा वो, नो चेंजेस लिखा हुआ ना, तो इसको सेलेक्ट वाला करके सेव करो और तब उसमें डिलीट करने का ट्राई करो। नहीं नहीं वो ठीक है। नहीं, वो तो तुम्हारा क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा में चेंजेस करने का नहीं देगा। ये दूसरा जो है ना, क्रॉस क्लाइंट ऑब्जेक्ट चेंजेस, इसमें यदि तुम ये ऑप्शन लेते हो और सेव करो और तब देखो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है ठीक है। अब कर रहा है, अब आया नहीं डिलीट करने का ऑप्शन। अब डिलीट करने ही नहीं देगा वो, चेंजेस नो चेंजेस अलाउट कर दिया ना तुमने। ठीक है, तो दोनों सेटिंग्स जो है ये अंडरस्टैंड कर लो, वो क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा के लिए है और ये क्रॉस क्लाइंट डेटा के लिए है। वहाँ पे यदि तुम बैक में जाकर के 100 पे जाके सेट करो, नो चेंजेस अलाउड करो क्लाइंट इसको क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा को, तब भी तुम्हें कुछ भी डिलीट करने के लिए नहीं देगा कोई भी यदि। हाँ तब भी नहीं रीड करने। हाँ, तो स्पेशली जो ये सेटिंग्स होती है बेस्ड ऑन द क्लाइंट होता है और ये फंक्शनल के लिए होती है, हम लोग उसमें ज़्यादा खुश करते हैं नहीं। अच्छा उस दिन ना ये जो चल रहा था अपना क्लाइंट क्लाइंट वाला, तो उसमें ना एक ही कोड हो पाया था, वैसे SEC कोड वाला लिखवाए तो बहुत सारे थे, क्या? हाँ SEC हाँ 4 वाला ही हो पाया था उस दिन ना। अब जैसे SCC 4। SEC, हाँ, इसी तो यही तो किया था पूरा। कौन कौन से ट्रांजैक्शन कोड लिखे हो फुल बताओ मुझे। SEC L है, SEC 8 है, SEC 7 है, SEC 3 है, SEC 5, SEC 1 और SEC 9। ठीक है, SCC 4 हो गया ना, SCC सबको समझ में आ गया है। समझ में आ गया ना SCC 4 में क्या होता है। तो मैं आपसे ये अब पूछ जैसे रहा हूँ हमने कि ये पोस्ट इंस्टॉलेशन की एक्टिविटीज में आते हैं सारे टी कोड। हाँ, अच्छा ठीक है, तो कहो ये पहले ही बहुत पोस्ट में ही सारे। आता है, और पोस्ट के साथ साथ जो है ना ये रेगुलर एक्टिविटी भी है, जो रेगुलर हम डे टू डे वर्क करते हैं उसमें भी हाँ एसएससी फोर की जी जरूरत पड़ती है। जी हाँ, उसमें तो करती मैं करता हूँ ऑफिस में, उसमें जैसे क्लाइंट ओपन करना पड़ता है ना प्रोडक्शन वाला, कभी कभी हाँ कुछ उनका स्पेसिफिक ये होता है कि कुछ ऐसा चेंज करना है, जैसे हॉलीडे कैलेंडर होता है ईयरली चेंज, उसके लिए ओपन करना है। अभी सर ये ऐसे कोई ये जो लिखा है और क्लाइंट 6 टाइप का रोल होता है, तो इसमें एक सैप रेफरेंस का ये क्या SAP रेफरेंस होता बताया तो था, रेफरेंस पर्पस के लिए होता है। जी? अभी मैं SECL चलाऊं, अब ये सेलेक्ट प्रोफाइल पे जाओ, सेलेक्ट प्रोफाइल जहाँ पे SAP और लिखा वहाँ, और इसको सबको लिखो SAP अच्छा अंडरस्कोर ऑल, SAP अंडरस्कोर APPL, SAP अंडरस्कोर APPX, ये सबको लिखो और इसका मीनिंग भी लिखो। मैं एक 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 करके समझाता हूँ कैसे क्या होता है। जी ऐसे स्कूल SCCL SCCL लोकल क्लाइंट कॉपी के लिए होता है। ओके
हो गया। सबने लिख लिया? जी सर। ठीक है, कौन कौन से प्रोफाइल है? SAP underscore all है पहले तो। SAP underscore all है, SAP underscore APPL, SAP underscore APPX है, SAP underscore cust हो गया, SAP underscore CUSB बोलते हैं इसको, SAP underscore CUSX, SAP underscore prof, SAP underscore UCUSB, UCUS और UANL and user। ठीक है, ये इतने प्रोफाइल हैं। अब इसमें से जो है, जो मेन प्रोफाइल है वो अंडरलाइन कर लो, SAP underscore all, SAP underscore cust, SAP underscore cust, SAP underscore CUSV, SAP underscore UCUS। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है। जब भी हम SAP में एक नया क्लाइंट क्रिएट करते हैं सर, एक बार तो फिर नया SAP underscore cust, SAP underscore CUSV, SAP underscore UCUS। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो जब भी हम SAP एप्लीकेशन में कोई भी क्लाइंट क्रिएट करते हैं तो वो क्लाइंट जो है बिल्कुल ब्लैंक होता है, विदाउट एनी डेटा, उसमें कुछ भी डेटा नहीं होता है। ठीक है, वो कैसे पता चल जाएगा? तो जब भी तुम एक जस्ट ट्राई करो। हाँ हाँ, एक अभी कौन सा वो अभी कौन सा क्लाइंट क्रिएट किया हो? 100 ना, अभी 200 कर लेते। नहीं नहीं, अभी 100 किया हो ना? 100 किया मैंने, इसमें मैंने डाटा कॉपी कर दिया था। अच्छा, 200 कर लो, एक क्लाइंट क्लियर कर लो। मैंने इसमें ना एसएपी ऑल से एक नया क्लाइंट क्रिएट करो, और 200 उस नया क्लाइंट में ऑलरेडी उसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक है। हाँ ब्लैंक है, एक नया क्रिएट कर लो, 700 क्रिएट। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत क्लाइंट बनाने का ऑप्शन है, 000 से 999, 1000 क्लाइंट बना सकते हो। लॉजिकल सिस्टम क्रिएट इसमें डालना पड़ेगा ना, क्रिएटेड अभी 700 क्या था वही डाल देते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखना, जो लॉजिकल क्लाइंट है ना वो कभी भी बाय मिस्टेकली भी ये दूसरे क्लाइंट के साथ मैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरा का पूरा डेटा जो है ना करप्ट हो जाएगा SAP एप्लीकेशन के अंदर, और वो सारे के सारे लॉजिकल सिस्टम चेंज कर देगा, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। जो भी डेटा होगा, कोई भी ट्राई करेगा एक्सेस करने का, डेटा एक्सेस ही नहीं होगा। तो जब भी तुम यहाँ पे लॉजिकल सिस्टम सेलेक्ट करते हो तो एक वार्निंग आती है, बी केयरफुल, क्योंकि SAP क्या करती है, वो क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं करती, वो लॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करती है, और जो भी डेटा सेव होता है हर एक टेबल। सर ये जो लॉजिकल सिस्टम है तो ये PDS, ये इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, प्रोडक्शन में है तो इस वजह से आ रहा है। हाँ ये तो आगे आगे, ये तो लॉगिन कर रहा है। अरे SID होता है ना फर्स्ट, उसमें लॉजिकल सिस्टम में तीन तरह का SID, CLNT, उसके बाद उसमें क्लाइंट नंबर देते वो आए फॉर्मेट लेकर। या प्रोडक्शन में क्रिएट कर रहे हो क्या दिवेश? नहीं नहीं नहीं, डेवलपमेंट है, PDS लिखा हुआ है वो आई ऐसे ही हो गया है।
नाम दिया हुआ है। SID मतलब गलत है। ठीक है, हो गया क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करके एक एक यूजर क्रिएट करने का ट्राई करो। सबको पता है यूजर कैसे क्रिएट होता है SU01 में जाके? हाँ। अब ये क्या बोल रहा है? कंपनी नेम। ये क्या बोल रहा है? कंपनी बनाने के लिए। मींस अभी जो ये क्लाइंट बना है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। अब यदि तुम क्लाइंट का नाम भी डालोगे, यहाँ पे नाम डाल दो, नाम डालने के बाद यदि तुम सर्च करोगे कि कहाँ पे ये कंपनी है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है। जस्ट ABCD कुछ भी डाल दो कंपनी का नाम और ओके करो। तो इसको जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है, कंट्री, रीजन और टाइम जोन, ये तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे भी सर्च करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी सर्च करो कंट्री को डाल के या कुछ भी टाइटल पे सर्च करो, कहीं पे भी कुछ सर्च करोगे तो इसके पास कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। ना कर रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं है इसके पास। मतलब क्या है कि जस्ट एक तरह से ये क्या कर दिया कि एक बड़ा सा यदि हॉल है तो उस हॉल में एक छोटा सा पार्टीशन इसने क्रिएट कर दिया, लेकिन उसमें अभी सामान कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ भी अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो ब्लैंक में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए SAP रिकमेंड करती है इफ यू वांट टू यूज दिस क्लाइंट एज ए प्रोडक्टिव क्लाइंट यू नीड टू कॉपी सम बेसिक डेटा फ्रॉम द डिफॉल्ट क्लाइंट। जो बेसिक डेटा है, जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है, जैसे तुम बिल्डिंग बनाते हो तो बेस बनाना जरूरी है, तभी जाकर के उस पर बिल्डिंग बनेगी। तो सबसे पहले तुम्हें इस क्लाइंट का बेस बनाने के लिए 000001 से तुम्हें डेटा जो है यहाँ पे लाना है। ठीक है, और कौन सी डेटा लाना है? कस्टमाइजिंग डेटा नहीं लाना है, बेसिक डेटा लाना है जिससे तुम्हारा क्लाइंट जो है वर्केबल कंडीशन में आ जाए। मतलब वो इतना तैयार हो जाए कि वो तुम्हारा जो भी तुम इनपुट डालोगे, जो भी अपने कंपनी के अकॉर्डिंगली उसमें कस्टमाइज करोगे, वो कस्टमाइज करने के लायक बन जाए। ओके ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसको यदि हमें यूज करने के लिए एज ए यूजेबल क्लाइंट बनाना है, उसके लिए हमें तीन प्रोफाइल कॉपी करनी होती है, विच मोस्ट रिकमेंडेड बाय SAP। ये तीन ही क्लाइंट कॉपी करते हैं। अब यहाँ से कैंसिल कर दो। ठीक है, अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज, अभी कैंसिल कर दो, अभी कुछ भी नहीं होगा, उसमें डेटा ही नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए वो इंडिया ले नहीं रहा ना। हाँ ठीक है, अब जो है देवेश, तुम अपना वो मुझे एनी डेस्क ऑन करो। हाँ हाँ, क्या नंबर है? लास्ट नंबर 75 है। 735 दोबारा बताओ। 283 432 175 करो, एक्सेप्ट करो। आई नहीं तो पासवर्ड के लिए मेरे से पूछ रहा है ये। एक मिनट, आ गए 283 आ गए आ गए आ गए। ठीक है, एक वर्ड खोल लो, वर्ड फाइल खोल लो। एक क्या हमने जो तुम्हें शेयर किया था ना वही खोल लो, वर्ड कुछ भी खोल लो, ओपन ब्लैंक खोल लो, ब्लैंक खोल लो। ठीक है, ठीक
हेलो, हाँ जी ये कुछ करने क्यों नहीं दे रहा मुझे? जैसे भी। ठीक हैंग अब हैंग कर रहा होगा सर। हाँ अब आया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये तुम्हारा क्लाइंट है, ओके ठीक। एक सिस्टम में ये कितने क्लाइंट हो गए? चार चार। ठीक है, ये हो गए चार क्लाइंट। और ये किस सिस्टम में है? ये डेवलपमेंट में है, ठीक है। चार क्लाइंट हो गया ना। ठीक ठीक है, अब जी ये किस सिस्टम में है चारों क्लाइंट? एक डेवलपमेंट ही सिस्टम डेवलपमेंट में में। है, डेवलपमेंट में। हाँ अब फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला जो है तुमने जो अभी बनाया क्लाइंट 700, ये ग्रीन वाला 700 क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो लिख दो, देवेश मेरा यहाँ से काम नहीं कर रहा अच्छा है, यहाँ पे एक लिख दो। एक इसके अंदर यहाँ लिख से थोड़ा कैसे स्लो चल रहा है, इसके अंदर लिख कहीं देता भी हूँ। लिख दो, अंदर लिख दो, बाहर लिख दो। हाँ करना पड़ता है डबल क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे अंदर तब भी हो जाएगा, सही आ गई बाहर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और कलर चला ठीक है लिख दिया। ठीक है, और बाकी के तुम्हारे ये जो ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये रेड वाला 000 हो गया, ये येलो वाला तुम्हारा 001 हो गया, ब्लू वाला जो है तुम्हारा 066 हो गया, ठीक है। ये चारों के चारों क्लाइंट जो है कहाँ पे है? एक डेवलपमेंट सिस्टम में है, ठीक है। तो डेवलपमेंट सिस्टम में यदि ये रेड वाले से यदि तुम्हें ये 700 में ले जाना है, व्हाइट वाले में ले जाना है, तो ये क्या हुआ? ये तुम्हारा लोकल क्लाइंट कॉपी हुआ, मतलब कि एक ही सिस्टम में है और एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में तुम कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकली कॉपी कर रहे हो, एक ही सिस्टम के अंदर दो डिफरेंट प्लेस पे कॉपी कर रहे हो, तो इसको हम ओके बोलते हैं लोकल क्लाइंट कॉपी, ठीक लोकल है। क्लाइंट और कॉपी। लोकल क्लाइंट कॉपी के लिए जो ट्रांजेक्शन कोड हमने लिखाया है वो है SCCL। अभी जो ट्रांजेक्शन कोड हमने चलाया था ये हाँ SCCL, ये क्या करता है? ये लोकल क्लाइंट कॉपी करता है। और लोकल कॉपी करने का मतलब समझ गए, एक ही सर्वर के अंदर एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे जब हम डेटा डेटा कॉपी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड लोकल क्लाइंट लोकल कॉपी। क्लाइंट को। ये समझ में आ गया? हाँ ये आया समझ में? हाँ सर।
इसी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर भी यही सेम क्लाइंट बना हुआ। 700 के जगह पे हो सकता है कि तुम्हारे पास 900 क्लाइंट हो या 600 क्लाइंट हो। तो ये सेम क्लाइंट जो है यहाँ पे भी बना हुआ। अब तुम्हें कई बार जरूरत पड़ती है कि यहाँ का डेटा, ठीक है, यहाँ का जो डेटा है ये डेवलपमेंट क्लाइंट 700 का डेटा, तुम्हें यहाँ पे जो डेवलपमेंट क्लाइंट है, यहाँ पे जो क्वालिटी क्लाइंट है 800 में ले जाना है। यहाँ से ये तो दूसरा सिस्टम हो गया ना, हाँ, ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये क्वालिटी। हो गया तुम्हारा क्वालिटी, ठीक। तो क्वालिटी से यदि तुम्हें डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट से क्वालिटी में कोई डेटा कॉपी करना होता है तो वो क्या होता है? रिमोट क्लाइंट कॉपी, ठीक है। तो यदि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के टू डिफरेंट क्लाइंट में कॉपी करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिमोट क्लाइंट रिमोट कॉपी। क्लाइंट कॉपी। ये समझ में आया कि लोकल क्लाइंट कॉपी क्या है, रिमोट क्लाइंट कॉपी क्या है? क्या जब ये लोकल टू लोकल करते हैं तो उसको लोकल क्लाइंट कॉपी बोलते हैं, और जो यदि किसी दूसरे सर्वर से लेकर आते हैं तो रिमोट क्लाइंट कॉपी बोलते हैं उसको। यदि सेम सिस्टम में दो डिफरेंट क्लाइंट के बीच में यदि डेटा डेटा कॉपी होती है तो उसे लोकल क्लाइंट कॉपी बोलते लोकल हैं, और उसके लिए जो ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं वो क्या करते हैं? SCCL। SCCL यूज करते हैं। और यदि दो डिफरेंट सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट में तो वो उसको रिमोट क्लाइंट कॉपी बोलते हैं, और उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड यूज होता है SCC9। SCC9। आ गया समझ में? हाँ सर। में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आ रहा सर, आ जी आ रहा। रहा। यदि हमें यहाँ 700 से 800 में डेटा कॉपी करना है तो इसको बोलते हैं रिमोट क्लाइंट रिमोट क्लाइंट कॉपी, कॉपी, और यदि यहाँ पे 000 से 700 में ले जाना है तो इसको बोलते हैं लोकल क्लाइंट लोकल कॉपी। क्लाइंट कॉपी। लोकल क्लाइंट कॉपी करने के लिए SCCL ट्रांजेक्शन कोड यूज करते हैं, रिमोट क्लाइंट कॉपी करने के लिए SCC9। SCC9 यूज करते हैं। SCC9 इतना समझ में आ गया। हाँ सर। बाकी हम बाद में बताएंगे, पहले अब SCCL कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास SCC7 है, SCC8 है, ठीक है, फिर SCC3 है, SCC5 है। तो अभी हम SCCL और SCC3 कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा? हमारा लोकल क्लाइंट कॉपी, और हम लॉग वैलिडेशन किस तरह से करते हैं, और SCC5 भी हम कर सकते हैं क्लाइंट डिलीशन के लिए जो होता है। फिर बाकी जो है रिमोट क्लाइंट कॉपी, उसका SCC7 जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, SCC8 ये हम कल करेंगे। अभी SCC7 में ये समझ में आ गया कि ये हाँ प्रोफाइल जो इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है ये। उसके बाद जो प्रोफाइल बेसिक प्रोफाइल्स होती है जो मैंडेटरी होती है जब भी हम कोई क्लाइंट बनाते हैं और उसको एज ए प्रोडक्टिव क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके लिए हमें तीन प्रोफाइल कॉपी करनी पड़ती है, SAP_CUST, SAP_CUSB और SAP_UCUS। ये तीन क्लाइंट जो है हमें कॉपी करना पड़ता है, तब जा करके हमारा कोई भी क्लाइंट एज ए प्रोडक्टिव क्लाइंट बनता है जिसके अंदर हम अपना डेटा हम कंपनी के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। कौन कौन सा प्रोफाइल हमने बताया? SAP_CUST, SAP_CSUB, SAP_UCUS। तो पहले कौन सा करना होगा? सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा, SAP_CUST, SAP_CUSB, उसके बाद UCUS। SAP के स्टैंडर्ड गाइड जो मैंने तुम्हें दिया था या कोई भी मास्टर गाइड उठा के देखोगे तो वहाँ पे ये तीनों प्रोफाइल का नाम लिखा रहेगा, और ये सबसे पहले क्लाइंट क्रिएट करने के बाद ये तीन प्रोफाइल कॉपी करने के लिए SAP रिकमेंड करती है, ठीक ठीक है। अब चले जाओ, है। क्लाइंट जो 700 बनाए हैं क्लाइंट 700 में चले जाओ। और एक चीज पहले समझ लो, एक चीज समझ लो,
जब भी हम क्लाइंट कॉपी करते हैं तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट कॉपी का मतलब क्या है, हम एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में डेटा कॉपी करते हैं, ये करते हैं ना, एक क्लाइंट से डेटा दूसरे क्लाइंट में कॉपी करते हैं। तो जब भी डेटा कॉपी की बात आती है, चाहे वो क्लाइंट हो या सर्वर हो या कुछ भी हो, यदि हम डाटा कॉपी करने की बात करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, कॉपी का मतलब ही यही होता है ना, कि जो डेटा एक जगह पे रखा हुआ है उस डेटा को हमें कॉपी करना है दूसरे जगह पे, यही होता है ना कॉपी में, और क्या होता है। तो जब हम कोई चीज कॉपी कर रहे हैं तो एक सोर्स होता है और एक टारगेट होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो हम कॉपी करेंगे और किसी न किसी जगह पे हम डालेंगे। तो जो हमारा सोर्स होता है, जहां से हम उठा रहे हैं, वो सोर्स क्लाइंट होता है, और जहां पे हम डाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं टारगेट क्लाइंट। SAP एप्लीकेशन में हम लोकल क्लाइंट कॉपी करने के लिए या रिमोट क्लाइंट कॉपी करने के लिए जो ट्रांजेक्शन कोड चलाते हैं वो हमेशा चलाते हैं टारगेट क्लाइंट में। इसमें चलाते हैं जहां पे हमें डेटा डालना है वहां पे हम ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। लेकिन अभी जो नया कंसेप्ट आया है, जो लेटेस्ट आया है, SCCLN करके ट्रांजेक्शन कोड आया है, SCCL न्यू करके एक ट्रांजेक्शन कोड आया है, जिससे सोर्स में भी बैठे बैठे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं टारगेट में। ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं था, SAP ने ये नया इंट्रोड्यूस किया है लेटेस्ट वर्जन में, जिससे कि हम सोर्स में बैठे बैठे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी टारगेट क्लाइंट में। इससे पहले तक का कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि हमें किसी क्लाइंट के अंदर कॉपी करना है डेटा तो टारगेट क्लाइंट में लॉग इन करके और वहां से सोर्स सेलेक्ट करके वहां से डेटा उठा लेते थे। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम ओल्ड वाला भी वर्जन यूज कर सकते हैं और न्यू वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। SAP क्या करती है, जब भी कोई नया फीचर्स लाती है तो उस फीचर्स के साथ साथ पुराने फीचर्स को भी कंटिन्यूसली एक साल तक चलाती है, सो दैट कि जब तक ये नया फीचर्स के लिए कस्टमर जितने भी क्लाइंट्स है वो यूज टू ना हो जाए तब तक उनको पुराना वो नहीं हटाती है। जैसे तुम देखोगे अभी SAP GUI में जो है ना, उसने नया फीचर्स ला दिया। नया फीचर्स का मतलब क्या है, जो UI 5 पे जो डेवलप है ना, UI जो लुक एंड फील होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जब लेटेस्ट वाला SAP GUI डालते हो 7.7.0 तो उसमें लुक एंड फील जो है डिफरेंट हो जाती है, ऑप्शन डिफरेंट हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसने पुराने थीम को भी अभी रखा हुआ है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द लेटेस्ट थीम, आप उसको रिवर्ट करके पुराने थीम में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये अभी इसने रिसेंटली लॉन्च किया है कि क्लाइंट कॉपी हम वो भी पैरेलल प्रोसेस के साथ सोर्स में बैठे बैठे जिस भी क्लाइंट में हमें डेटा ट्रांसफर करना है सोर्स में बैठे बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं था। अब जैसे हम SCCL चलाते हैं तो यदि हमें 700 में डेटा कॉपी करना है तो SCCL कहाँ पे चलाएंगे, 700 क्लाइंट पे चलाएंगे, राइट, ठीक है। तो अब जा करके चलाओ एक बार ट्रांजेक्शन कोड SCCL 700 में, अब देखो SCCL जैसे चलाना शुरू एग्जीक्यूट किया यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट द प्रोफाइल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोफाइल सेलेक्ट करना। अब हमें पता है कि कौन कौन सा प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो SAP underscore cust करना है, उसके बाद CUSV करना है और उसके बाद UCUS करना है। ये तीन प्रोफाइल हमें करना है, तो तीन प्रोफाइल सिक्वेंसली करना है, एक बार में तीनों सेलेक्ट होगा नहीं, एक प्रोफाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। अब उससे पहले सेलेक्ट करने से पहले इसकी मीनिंग समझ लो, ये प्रोफाइल में होता क्या है। SAP underscore all जो है ये all client specific data without change documents, मतलब यदि SAP all सेलेक्ट कर लोगे तो जो भी तुम सोर्स क्लाइंट सेलेक्ट करोगे उसके अंदर जो भी डेटा है सारा का सारा डेटा एज कॉपी कर देगा इस क्लाइंट में। SAP all का मतलब होता है कि उस क्लाइंट के अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा कॉपी कर दो। तो यदि तुम्हें सारा का सारा डेटा लाना है तो SAP all करना है, यदि नहीं लाना है तो हमें
एसएपी ऑल नहीं करना है, ठीक है। एसएपी ऑल हम कब करते हैं, जब हमें कोई सिस्टम रिफ्रेश करनी होती है क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट कॉपी करके दूसरे जगह पे ले जाना है, तो उस केस में एसएपी ऑल को जो है कॉपी कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट से ठीक है। डाटा क्वालिटी में लाना है एसएपी तो हमको एसएपी ऑल करना है। हाँ प्रोडक्शन से, हाँ जैसे प्रोडक्शन से क्वालिटी पे लाना है तो एसएपी अंडरस्कोर ऑल कॉपी कर लेंगे, सारा का सारा डेटा वहाँ से कॉपी होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बट वो जो ये जो मेथड है ये दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू क्लाइंट। हाई अमाउंट ऑफ डेटा। यदि डेटा की डेटाबेस की साइज यदि 2 TB है, 4 TB है, 5 TB है, तो वहाँ पे ये नहीं चलती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो क्या करते वो हैं, बैकअप रिस्टोर के थ्रू करते हैं, डेटा क्वालिटी पे रिस्टोर करके रिफ्रेश करते हैं, और बैकअप रिस्टोर करने के बाद भी तो बहुत सारी पोस्ट एक्टिविटीज हो जाती है इसमें। ठीक है। हाँ बैकअप रिस्टोर करते हैं ना तो क्या काफी सारी हुआ, पोस्ट एक्टिविटीज, बैकअप रिस्टोर जब करते हैं ना दूसरे हाँ, सिस्टम पे। बैकअप रिस्टोर में प्री स्टेप्स है, पोस्ट प्री स्टेप्स और पोस्ट स्टेप्स सब कुछ करनी पड़ती है, हाँ बहुत सारे काम हो जाते हैं ना एक्सटर्नल पे। बहुत बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। जिस सिस्टम डीएमएस रेफरेंस का मतलब हो कंट्रोल, गया सारी एक्टिविटी करनी पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफाइल है एसएपी अंडरस्कोर एपीपीएल। एपीपीएल के अंदर जो है ना कस्टमाइजिंग डेटा होता है, एप्लीकेशन डेटा होता है विदाउट चेंज डॉक्यूमेंट। मतलब ये तो समझ में आ रहा है ना, कस्टमाइजिंग डेटा क्या होता है, एप्लीकेशन डेटा क्या होता है। एप्लीकेशन डेटा का मतलब हो गया कि जो एक्सटेंडेड डेटा सिस्टम के अंदर है, जो स्टैंडर्ड डेटा क्लाइंट के अंदर है, और कस्टमाइजिंग वर्ड जहाँ पे भी तुम समझ जाओ इसका मतलब है कि ये फंक्शनल कंसल्टेंट जो है कंपनी स्पेसिफिक डेवलप किया है। तो जो भी कस्टमाइज होगा, या तो यदि कस्टमाइज कहीं पे भी है एसएपी एपीपीएल प्रोफाइल के अंदर, यदि बाय डिफॉल्ट वाला है तो एसएपी ने कस्टम कोड डेवलप किया है, ठीक है। और एप्लीकेशन डेटा जो है स्टैंडर्ड डेटा होता है। तो इसी तरह से SAP अंडरस्कोर APPX जो है, APPX में तुम्हारा SAP अंडरस्कोर APPL का तो डेटा आएगा ही आएगा विदाउट ऑथराइजेशन प्रोफाइल एंड रोल्स, ठीक है। तो जो भी हम SAP एप्लीकेशन के अंदर रोल क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वो नहीं आएगा, बाकी के बाकी सारे डेटा आ जाएगा। तो ये जितने भी प्रोफाइल है टाइम टू टाइम हम यूज करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रोल और ऑथराइजेशन कॉपी करना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में, तो उसके लिए हम SAP अंडरस्कोर यूजर वाला जो प्रोफाइल है, यूजर मास्टर रिकॉर्ड एंड ऑथराइजेशन एंड रोल, तो वो कर लेते हैं। या सिर्फ रोल ही करना है, ऑथराइजेशन प्रोफाइल और रोल करना है, तो ये SAP अंडरस्कोर UANL होता है। UANL में यूजर नहीं जाता है, सिर्फ उसके ऑथराइजेशन और रोल्स जाते हैं, उनके प्रोफाइल्स और रोल जाते हैं। उसी तरह से SAP अंडरस्कोर कस्ट है, सिर्फ कस्टमाइजिंग डेटा जाएगा। CUSV है, कस्टमाइजिंग एंड यूजर वेरिएंट जाएगा। यूजर वेरिएंट के अंदर जो है ना यूजर्स के ही इंफॉर्मेशन होते हैं। SAP अंडरस्कोर CUSX है, कस्टमाइजिंग विदाउट ऑथराइजेशन प्रोफाइल एंड रोल्स होगा। तो ये जितने भी चीज प्रोफाइल है ना, ये विद कम्बिनेशन बना हुआ है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम उनको कॉपी कर लेते हैं, जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। लेकिन एक एक क्लाइंट को एज ए प्रोडक्शन क्लाइंट बनाने के लिए ये तीन प्रोफाइल कॉपी करनी होती है। तो ठीक अब इसमें से एक एक सेलेक्ट कर लो, जैसे SAP अंडरस्कोर कस्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब सोर्स क्लाइंट पूछता है, यहाँ पे सोर्स क्लाइंट पे सर्च करोगे तो तुम्हें दिखाएगा तुम्हारे पास कौन कौन से क्लाइंट है। क्लाइंट F4 कर लो या इस पे क्लिक कर लो, ये सारे क्लाइंट दिखाता है कि कौन सी क्लाइंट से कॉपी करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमें 000 से कॉपी करनी है, तो यहाँ पे हमें 000 सेलेक्ट करना पड़ेगा। 00 से करनी है तो 00 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय तो डिफॉल्ट चूज किससे कर लो, करते हैं हम यहाँ कॉपी, हम क्लाइंट से। 001 से कॉपी करते हैं, 001 से न्यू क्लाइंट में, 001 से। लेकिन अब तो न्यू 001 आता ही नहीं है, तो 000 से ही कॉपी करना होता है। और अब तो डबल जो भी जीरो वन क्लाइंट आता है वो 000 000, ठीक है। तो अब जो ठीक है। क्लाइंट आता है, एक ही क्लाइंट आता है, उसको SAP रेफरेंस क्लाइंट बोलते हैं, उसका उसका ट्रिपल नंबर जीरो कितना होता है, 000, ट्रिपल जीरो। अभी इसमें दो क्लाइंट हैं, ठीक ट्रिपल है। जीरो और उसके बाद जीरो वन अभी तीन क्लाइंट है ना,
अभी दो क्लाइंट है, 000 और 001। ठीक है, अभी एस फॉर आना लेटेस्ट में जो है ना, एक ही क्लाइंट हो गया है, सिर्फ 000 ही आता है। उसको थोड़ा सा हल्का कर दिया, क्योंकि पहले क्या था, तीन क्लाइंट था तो डेटा जो है ना थोड़ा सा हैवी होता था। अब क्या किया उसने, दो क्लाइंट को रिमूव कर दिया, सिर्फ एक ही क्लाइंट रखा है। दो क्लाइंट उसमें, तीन क्लाइंट में से जो है ना, एक जो 000 था उसी का कॉपी होता था 001, सपोर्ट क्लाइंट होता था। एसएपी थोड़ा सा उस टाइम पे ज्यादा सिक्योर थी, वो सोचता था कि यदि 000 का डेटा करप्टेड हो गया तो एटलीस्ट 001 से कॉपी कर लेगा कस्टमर। लेकिन अब उसने जो है ना इस तरह का वो कंसेप्ट हटा दिया, सिर्फ एक ही 000 रखा है, और जीरो डबल सिक्स इसीलिए हटा दिया। हाँ, और 00066 इसलिए हटा दिया कि EWA जो है ना, अर्ली वॉच अलर्ट को के लिए पहले जो है रिक्वायरमेंट होती थी एक क्लाइंट, स्पेसिफिक क्लाइंट। अब उसने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना मेंटेनेंस प्लानर से कनेक्ट कर दिया। पहले जो है EWA सोलमैन के थ्रू जो है ना कनेक्ट होता था, अब ये डायरेक्टली जो है ना अपने मेंटेनेंस प्लानर के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कन्फिगर कर दिया। तो ये 00066 की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए उसने दो क्लाइंट को हटा। तो दो क्लाइंट को हटाने के बाद जो है ना उसका सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा लाइट हो गया, ज़्यादा हैवी नहीं है। हाँ, और इंस्टॉलेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नहीं तो पहले काफ़ी टाइम लगता था। जब जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने सीखा था SAP, तो उस टाइम पे SAP इंस्टॉलेशन करने में 24 24 घंटे लगते थे। ओके, और 2 घंटे तो अभी भी लग जाते हैं। हाँ, हाँ, फिर भी बहुत कम हो गया ना, 24 घंटे और 2 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट है, ये ट्रिपल एरो दिखा रहा है ऊपर में, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेस। अब जो कॉपी जो करेगा ना, तो उसके लिए सिंगल प्रोसेस चाहते हो, मतलब एक बार में एक ही डेटा कॉपी करे, या मल्टीपल प्रोसेस को लगाना चाहते हो, जो हमारे पास डायलॉग वर्क प्रोसेस या बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस पर है ना, तो तुम एक ही वर्क प्रोसेस को यूज करना चाहते हो या मल्टीपल वर्क प्रोसेस को यूज करना चाहते हो, ये यहाँ से होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस तुम्हारे पास जितना डायलॉग और बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 5 या 6 डाल देते हैं। जैसे इसमें 10 और 6 है। अच्छा, 10 है तो 6 डाल दो, 6 डाल दो, 10 डायलॉग है यहाँ और पे 6 डाल छह। दो, नंबर ऑफ प्रोसेस ठीक है, 6 7 8 जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन दैट शुड नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ अवेलेबल वर्क प्रोसेस, तो डायलॉग नहीं तो वो एरर एरर प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस दोनों को जोड़ के डाल सकते हैं वैसे। तो नहीं, उसमें से तुम्हें दो तो फ्री छोड़ना होता है डायलॉग को और दो बैकग्राउंड को, उसके बाद तुम डाल सकते हो। अच्छा, टोटल में से चार छोड़ रहे हैं, दो दो करके। हाँ, देखो कोई लॉग इन ग्रुप बना हुआ है, नहीं तो बनाना पड़ता है। यहाँ पे लॉग इन ग्रुप बाय डिफॉल्ट 390 होता है। हमने तो कुछ बनाया नहीं है। बाय डिफॉल्ट 390 बना हुआ है। ठीक है, 390 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेव कर दो। ये RFC सर्वर पता ही अलग होगा। ठीक है, तो अब ये जो तुम्हारा स्टार्ट होगा ना, तो ये 6 प्रोसेस के साथ स्टार्ट होगा, और कभी भी इसको जो है स्टार्ट इमिडिएटली मत करना, क्योंकि इमिडिएटली में क्या होता है, जो तुम्हारा डायलॉग वर्क प्रोसेस होता है वो क्या करेगा, डायलॉग वर्क प्रोसेस जो है स्मॉल टास्क के लिए होता है, लेकिन तुम यदि स्टार्ट इमिडिएटली करोगे तो वो फ्रंट एंड पे स्टार्ट होगा। और फ्रंट एंड का मतलब होता है कि डायलॉग वर्क प्रोसेस पे, डायलॉग वर्क प्रोसेस को तुम फोर्सफुली बोल रहे हो कि इस काम को करो। ठीक है, जबकि डायलॉग वर्क प्रोसेस जो है किसके लिए है, स्मॉल टास्क के लिए है, और यदि तुम स्टार्ट इमीडिएट कर दोगे तो वो डायलॉग वर्क प्रोसेस को करना पड़ेगा, वो किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि तुम डायरेक्टली फोर्सफुली बोल रहे हो कि तुम्हें करना है। ठीक है, लेकिन एक पैरामीटर होता है, और पैरामीटर में 600 उसकी वैल्यू होती है। 600 का मतलब हो गया तुम्हारा कितना, 10 मिनट ना। हाँ, वो नोट दस डिस्कस मिनट के करके बाद जो है ना, अपने 10 मिनट। के अंदर कुछ टाइम लिमिट डालते हैं। हाँ उसकी WP रन होता है ना शायद वो। हाँ रन टाइम होता है उसका। हाँ, पैरामीटर बता दूंगा, उस पैरामीटर की वैल्यू 600 बाय डिफॉल्ट सेट होती है।
तो वो ये क्या करेगा, तुम यदि फोर्सफुली बोलोगे कि करो तो वो करना तो स्टार्ट करेगा, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन ये यदि क्लाइंट कॉपी 10 मिनट से ज्यादा लेगी तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा क्लाइंट कॉपी। तो इसीलिए स्टार्ट इमिडिएटली रिकमेंड नहीं होती है, शेड्यूल ए बैकग्राउंड जॉब पे क्लिक करो। एंड यहाँ पे एक टेस्ट रन आ रहा है, यदि तुम चाहते हो कि हम पहले ये चेक कर ले कि हमारा जो जहाँ से कॉपी कर रहे हैं डेटा, ठीक है, और जहाँ पे जा रहा है हमारे टारगेट क्लाइंट में उतना स्पेस है या नहीं है, तो टेस्ट रन चला सकते हो। उसमें क्या होगा, टेस्ट रन थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद तुम्हें बता देगा कि इतने रिकॉर्ड है, जो जो चीज़ आप कॉपी करना चाह रहे हो सोर्स से उसमें इतना रिकॉर्ड है और इतना स्पेस आपको चाहिए टारगेट क्लाइंट में, उसके लिए हम टेस्ट रन चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे टेस्ट रन की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू क्लाइंट बना रखे हो, सफिशेंट स्पेस अवेलेबल है। अनटिक कर दो टेस्ट रन को और सेलेक्ट बैकग्राउंड जॉब पे क्लिक करो। टेस्ट रन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, टेस्ट रन पे करोगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन या टेस्ट करेगा, डेटा नहीं, ट्रांसफर एग्जीक्यूट नहीं कैसे करेगा। करेंगे जिसमें नहीं टेस्ट रन नहीं पर करना बैकग्राउंड में ही करना है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट भी बैकग्राउंड में ही ओके। करना अच्छा है। हाँ बैकग्राउंड में ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है बैकग्राउंड सर्वर, यदि तुम्हारे पास मल्टीपल डायलॉग वर्क प्रोसेस है, ये सॉरी डायलॉग इंस्टेंस है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि किस पे चलाना है। अभी तो तुम्हारे पास एक ही डायलॉग वर्क प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो एक ही सर्वर दिखाएगा। यदि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होता तो हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक पे चला सकते हैं। या तो यहाँ पे सेलेक्ट करो या नहीं करो, सेलेक्ट करोगे तब भी इसी पे जाएगा, नहीं भी करोगे तो इसी पे जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही सर्वर है। यदि हमारे पास एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर 2-3 होता तो उसमें से जिस पे चलाना है उस पे चला सकते हो। ठीक है, इमीडिएटली ये टिक करना होता है, ये क्या करेगा स्टार्ट कर देगा, जैसे ही जॉब शेड्यूल करोगे इमीडिएट स्टार्ट कर देगा। यदि इमीडिएटली नहीं करोगे तो फिर वो शेड्यूल्ड में चला जाएगा जॉब, तुम्हें जा करके रिलीज करनी पड़ेगी। उसके बाद नो प्रिंट डायलॉग, डायलॉग को प्रिंट नहीं करेगा, इसीलिए नेक्स्ट इसको शेड्यूल कर दो। शेड्यूल करने के बाद ये देखो ये बता रहा है नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेस, हमने 6 प्रोसेस सेट किया है, तो एक साथ में जो है ना 6 वर्क प्रोसेस काम करेगा इस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अभी कंटिन्यू। कह रहा अब है ये कि क्या अच्छा बोल रहा है, चलता बैकग्राउंड जॉब वॉज सक्सेसफुली शेड्यूल्ड, बैकग्राउंड जॉब जो है शेड्यूल हो गया, है। लॉग हाँ इज डिस्प्लेड इन SCC3, SCC3 लिखाया था ना मैंने लॉग चेक करने के लिए, हाँ तो हाँ जी। ये अब SCC3 जब तुम एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें इसका लॉग दिखाएगा कि ये स्टार्ट हो गई है, इसको कंटिन्यू कर दो और SCC3 ट्रांजेक्शन को चला लो, तुम्हारा लोकल क्लाइंट कॉपी जो है स्टार्ट हो गई है। यहाँ देखो प्रोसेसिंग हो रहा है ना, स्टेटस में क्या दिखा रहा है, प्रोसेसिंग, प्रोसेस डबल क्लिक करो उस पर। अभी प्रोसेसिंग में है, डेटा कॉपी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये नंबर ऑफ टेबल कैलकुलेट कर लिया, 9,862 टेबल्स जो है ये कॉपी करेगा। अभी आउट ऑफ 9,862 जीरो टेबल कॉपी किया है, मतलब प्रोसेसिंग अभी एस्टेब्लिश कर रहा है, कम्युनिकेशन स्टेबल कर रहा है, उसके बाद ये कॉपी स्टार्ट करेगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है इसके लिए टारगेट क्लाइंट 700 और सोर्स क्लाइंट 000। कॉपी टाइप जो है लोकल लोकल कॉपी है और प्रोफाइल जो है SAP अंडरस्कोर कस्ट है। स्टार्ट किस टाइम पे किया है, लास्ट एंट्री ऑन किस टाइम पे है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है। हाँ क्या बोल रहे थे देवेश? तो कोई रिमोट क्लाइंट में कोई RFC भी क्रिएट करना होता है क्या, अगर पहले से नहीं है तो? रिमोट क्लाइंट करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें दो सिस्टम के बीच में RFC क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी चलेगी ना। वो कौन सा RFC, HTTP वाला या कौन सा करते हैं इसको? नहीं नॉर्मल RFC क्रिएट होगी, ABAP और ABAP के बीच में जो RFC क्रिएट होती थी Type 3 RFC। तो वही होगी ना। HTTP RFC कब क्रिएट होती है, जब तुम कोई जावा सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी करते हो, क्योंकि ICM जावा जो वाला है करते हैं। HTTP, हाँ HTTP प्रोटोकॉल पे चलती है। यहाँ पे देखो यूजर भी दिखा रहा है, SAP स्टार से तुमने लिए लोकल कॉपी स्टार्ट किया है। अभी अब ये देखो शुरू 6 प्रोसेस तुम्हारा स्टार्ट हो गया।
अच्छा हम जब भी करते थे ये चीज नहीं सिलेक्ट कर देते ओनली प्रोसेस वाला सिस्टम जो है। ये नहीं पता होगा ना तुम्हें। हाँ ये पता नहीं था तो इसलिए टाइम लेता था वो। हाँ अभी ये फास्ट कर रहा है बहुत जो। अब तुम धीरे धीरे एक्सपर्ट बनोगे ना। बट अभी अभी तक तो धक्के मार के गाड़ी चल रही थी किसी तरह। ठीक हाँ है, किसी तरह कहीं से कुछ मिला कहीं से कुछ मिला कर कहीं से कुछ मिला कहीं से कुछ मिला, वो उसको मिला करके कर देते थे काम। तो। हाँ तो तुम्हें इतने डीप लेवल में बताएगा भी नहीं कोई। सही बात है। अभी जो कितना फास्ट अभी मैंने किया था ये सिंगल प्रोसेस के थ्रू 100 नंबर में तो 10 मिनट में हो गया था हाँ कॉपी। अगर अभी ये आप फटाफट कर देगा। तो रिफ्रेश करो। इसमें अभी 1000 ये टेबल देखो हो गया ना। हजार अगर तो टेबल उसने, हजार पुराना हजार वाला टेबल तो देख उसने कर दिया फटाफट। हाँ देख मेरे से सकते पुराना हो। उसी है ना 100 वाले में मैंने किया था वाला ना। हाँ कंप्लीटेड दिखा रहा है ना। कितना टाइम लगा इससे पता लग जाएगा। ये 12:02 पे स्टार्ट किया था और 12:20 पे खत्म हो गया था। 18 मिनट लगे 18 मिनट लगा उसमें। देखो कितना टाइम लगता है। पर इसमें ऐसे वो भी और तुम्हारा किया पाँच छः था। मिनट में कंप्लीट हो टेबल तो जाएगा। उतना ही था टेबल तो बराबर ही है कष्ट वाला ही किया। इसमें ऐसे भी और हाँ किया हाँ है इतना क्या। ही होगा। हाँ तो उतना ही डेटा होगा, कुछ होगा नहीं डेटा ज़्यादा। तो सर एक चीज की मतलब क्वालिटी से डेवलपमेंट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी में कोई चीज को उसको डेवलपमेंट में कॉपी करके ले जाना तो हो जाएगा। हाँ हो कहीं जाएगा। पे भी हो जाएगा। अच्छा डेवलपमेंट से क्वालिटी में ले जाओ, क्वालिटी से प्रोडक्शन में ले जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ। वहाँ पे बैकअप का फोल्डर बनाया था तो वो फोल्डर सेम हाँ ये लोकेशन वहाँ पे जाके डाल दिया होगा उन्होंने, फिर उसकी परमिशन चेंज की होगी। तो फिर जब हम रिस्टोर करते हैं डाटाबेस में लॉगिन करके हाने स्टूडियो से तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर जाता है डेटा। उस पे तीन ऑप्शन होती है। तीन अच्छा ऑप्शन होती है। एक होता है कि आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो जहां पे आपका डेटाबेस का बैकअप रखा हुआ ओके है। एक तो होता है कि कैटलॉग से रीड करेगा, एक होता है हाँ पॉइंट इन टाइम रिकवरी होती है, और एक होता है हाँ कि आपके पास कोई स्पेसिफिक बैकअप है जिससे आप अच्छा डेटाबेस को रिस्टोर करना चाहते हो, तो उसका लोकेशन दे दो और उसका प्रीफिक्स का नाम दे दो, तो वहां से रिस्टोर स्टार्ट हो जाएगा। वो दिखा प्रीफिक्स का दूंगा नाम। सब। प्रीफिक्स क्या बोले सर। प्रीफिक्स होता है डेटाबेस के बैकअप का जो फर्स्ट नेम होता है ना, वो अच्छा देना अच्छा पड़ता है। जो कॉमन नेम होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, वो देना सर एक चीज होता है। बताइएगा कि जैसे जब हम रिस्टोर करते हैं तो जैसे SID हो गया डेटाबेस का नाम हो गया क्या वो भी मूव होता है या कोई डेटा डेटा मूव होता है सर। नहीं रिस्टोर यदि सेम सिस्टम के बैकअप से करते हो तो वो तो कुछ चेंजेज नहीं होगा। यदि रिफ्रेश दूसरे सिस्टम से करते हो, प्रोडक्शन के डेटा को क्वालिटी पे डालते हो, तो हाँ वहाँ पे जो है ना ऑप्शन आता है कि आप SID चेंज करना चाह रहे हो या सेम SID में आप रिस्टोर करना चाह रहे हो। अच्छा रजिस्ट्रेशन का टाइम भी पूछता है सर। हाँ, सब कुछ पूछता अच्छा है, सारे ऑप्शन है। कल दिखाऊंगा, कल लाइव लाइव। जैसे मैंने एक ही डेटाबेस में 3 सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं ठीक है तो सबके हाँ अलग अलग हाँ तीन चार पांच जितने बच्चे। सर नहीं मैं नहीं वो इंस्टॉल कर रहा था तो ना वो इंस्टॉलेशन हो नहीं रहा था। मैंने 2-3-4 बार भी ट्राई किया पर वो एक पे ही जैसे इसने कर लिया ना 3 प्रोडक्शन डेवलपमेंट और क्वालिटी तीनों बना लिया मेरा इसमें बन ही मुझे नहीं रहा था। मुझे तीनों के डाटाबेस चेक करने तो कैसे करूंगा। इसमें तो ये दो ही दिखाता है वैसे। यहाँ जैसे पे मुझे ऐड करो पूरे ना, डेटाबेस ऊपर में ऐड कैसे करो। दूसरा डेटाबेस का नाम क्या क्या रखा था? वो तो कुछ SAP अवेब करके आ रहा था ना वो तो। नहीं वही नहीं आता है डेटाबेस का क्या नाम रखा था? वो जैसे तो वहां PDR हो पे। गया, ये SID आई थिंक। एक मिनट देखो, तुमने टेनेंट बनाया, एक ही डेटाबेस में सब डाल दिया, घुसेड़ दिया सब कुछ। यहाँ पे रुको, तुमने लगता है एक ही में बना दिया क्या? चेक कर लो
पता नहीं चला मुझे, उसमें कोई ऑप्शन तो आया नहीं था ऐसा कुछ बनाने के लिए अलग से। यहाँ पे लिखो सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्पेस स्टार स्पेस फ्रॉम देखो फ्रॉम अंडर फ्रॉम एम अंडरस्कोर एम कैपिटल में लिखना, स्पेस देके एम कैपिटल में लिखो एम अंडरस्कोर डेटाबेस, डेटाबेस भी कैपिटल में। कॉलन लगा दो, सेमी कॉलन, इसको एग्जीक्यूट करो वहां पे जो बटन आ रहा है ना ग्रीन, हाँ यस करो। एक ही डेटाबेस तुम्हारा पीडीआर, एक ही डेटाबेस को सब जगह तुमने डाल दिया। मल्टीपल कैसे क्रिएट करेंगे हम जब इस फंक्शन टाइम बताऊंगा बताऊंगा, वो बात की बात है। ओएस लेवल पे तीन डेटाबेस, तीन डेटाबेस ओएस लेवल पे तीन बार इंस्टॉल किया क्या? नहीं नहीं ओएस लेवल पे डेटाबेस सिंगल, ओएस लेवल पे दिखाना। हाँ तो तब एक ही डेटाबेस में तीनों कर दिए। ओएस लेवल पे दिखाओ ना, ओएस पे जाओ ना जहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल है। इसमें बैक करना, यहाँ ना के अंदर जाना, स्लाइस सीरी स्लाइस आना, डेटा के अंदर जाओ, एलएसएलटीआर करना, ठीक एक ही डेटाबेस क्रिएटर है तो एक ही डेटाबेस में सब कुछ करते हैं तुम। ये अप्रोच नहीं होता है, ये गलत अप्रोच है। तो इसमें क्या जैसे हमको डेटाबेस तीन बार इंस्टॉल करना पड़ेगा ओएस पर, सिंगल ओएस है तो? नहीं नहीं तीन बार इंस्टॉल कर, नहीं नहीं तीन बार इंस्टॉल कर, तीन बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे क्रिएट करेंगे हम इसको? वो डेटाबेस डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ती है, डेटाबेस के अंदर जो है ना, जैसे पीडीआर एक डेटाबेस है उसी तरह से एक और डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, दूसरा सिस्टम इंस्टॉल करना है इसी के साथ। तो वो कैसे करेंगे वो ही मैं पूछ रहा था। बता दूंगा, वो उनके अलग प्रोसेस होता है। अब इसमें क्वालिटी पे लॉगिन करना, इसका एक चीज दिखाओ मुझे, ये सिस्टम पे क्लिक करना, सिस्टम पे क्लिक करना, ये कौन सी है? नहीं सिस्टम ये कौन सा ये तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है ना, रुक जाओ। इसमें कैसे चेक करते हैं जैसे हमारे वाले सिस्टम में तो देखो ऑफिस वाले डेटा ये भी इसमें भी देखो, डेटाबेस जो है ना पीडीआर पीडीआर ही है, ठीक है। अब क्वालिटी में देखो इसका क्या स्टेटस आ रहा है, उसमें भी पीडीआर ही आ रहा होगा, एक ही पे कर दिया होता। सेम ही आ रहा है सब में सेम ही, एक ही डेटाबेस में तुमने सबको इंस्टॉल कर दिया। अच्छा एक चीज पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कैसे पता लगेगा हमने नेटवर्क कौन सा इंस्टॉल किया है? ये यहीं से दिखेगा ना, ये इसमें इंस्टॉल प्रोडक्ट में जाओ और ईएचपी 7.5 है ना, ये
और ESP यहाँ से पता चलेगा बेसिस के कौन से पैच डाले हो, 7.5 ये पैच ही तुम्हारा कोई नहीं है। और नेटवेयर में ESP नहीं होता है, ESP होता है सिर्फ ECC में। अच्छा नेटवेयर प्लेटफॉर्म है, इसमें 7.5 जो है तुम्हारा वर्जन हो गया और इसके सपोर्ट पैक होगा, सपोर्ट पैक 0.0 है। तो इसके ऊपर EHP भी इंस्टॉल होता है NS पर किसमें? नेटवर्क के ऊपर? हाँ ESP अलग से होती है ना, ESP ECC के साथ इंस्टॉल होती है। अभी जो तुमने इंस्टॉल किया है वो नेटवेयर 7.5 की है, इसी तरह से सेम प्रोसेस से ECC इंस्टॉल होता है। इसी सेम प्रोसेस से जो है दूसरे कंपोनेंट GRC होता है, BW होता है। जैसे मैं अपने ऑफिस वाला दिखाऊंगा आपको, देखो